नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति टॉप रिपोर्टर में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि स्टैचू ऑफ यूनिटी तक कैसे पहुँचा जा सकता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ोदरा एयरपोर्ट और रेलवे लाइन सबसे नजदीक है। यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी 89 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप सड़क मार्ग के जरिए केवड़िया पहुँच सकते हैं। इसके अलावा भरूच भी नजदीक रेलवे स्टेशन है। केवड़िया पहुंचने के बाद आपको साधु आइलैंड तक आना होगा। केवड़िया से साधु आइलैंड तक 3.5 किलोमीटर तक लंबा राजमार्ग भी बनाया गया है। इसके बाद मेन रोड से स्टैचू तक 320 मीटर लंबा ब्रिज लिंक भी बनाया हुआ है। आपको बता दें कि यहां यात्रियों के लिए टेंट सिटी की सुविधा भी है। केवड़िया में गुजरात सरकार की तरफ से दो टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। इसमें एक में 50 और दूसरे में 200 टेंट है, जहां यात्रियों के ठहरने के लिए सुविधा है। अब यहां जाने के लिए आपको टिकट बुक करना होगा। यहां दो कैटेगरी में आपको टिकट मिलेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी लोगों के दर्शन के लिए हफ्ते भर दिन में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। यहां जाने के लिए आप ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। इसके लिए आप www.soutickets.in में ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ आपको दो कैटेगरी दिखाई देगी, डैक व्यू और एंट्री टिकट। यहाँ 3 साल से कम बच्चों के लिए एंट्री टिकट बिल्कुल फ्री है। डैक व्यू का टिकट खरीदने के लिए आपको 350 रुपीस का भुगतान करना होगा। इसमें ऑब्जर्वेशन डैक में एंट्री के साथ वैली ऑफ फ्लावर्स, सरदार पटेल मेमोरियल, म्यूजियम, ऑडियो विजुअल गैलरी के साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी साइट और सरदार सरोवर बांध घूम सकते हैं। वहीं एंट्री टिकट 3 से 15 साल के बच्चों के लिए 60 रुपये है और बड़ों के लिए 120 रुपये है। इस टिकट में आप वैली ऑफ फ्लावर, मेमोरियल, म्यूजियम और ऑडियो विजुअल गैलरी के साथ सरदार डैम का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आपने एंट्री या डेक व्यू टिकट खरीदा है तो आपको बस के लिए अलग से किराया नहीं देना होगा। एंट्री टिकट में 30 रुपये बस का किराया अपने आप जुड़ जाता है। म्यूजियम में सरदार पटेल से जुड़ी यादें स्टैचू की छाती के पास झरोखे बने हुए हैं, जहां से आप सरदार सरोवर डैम को पूरा देख पाएंगे। स्टैचू के नीचे एक म्यूजियम है, जहां पर सरदार पटेल की स्मृति से जुड़ी कई चीज़ें रखी जाएंगी। स्टैचू में लेज़र लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे इसकी रौनक दिन और रात बनी रहे। यहाँ आपको सेल्फी पॉइंट भी मिलेगा। प्रतिमा के पास 5 किलोमीटर के दायरे में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जो यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। इससे वैली ऑफ फ्लावर के रूप में विस्तृत किया गया है। यहाँ हाई स्पीड लिफ्ट की सुविधा भी है। पर्यटकों के स्वागत के लिए गुजरात सरकार ने सरदार पटेल स्टैचू कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग सेंटर और एक रिसर्च सेंटर भी बनवाया है। इसके अलावा मूर्ति के पैरों के पास हाई स्पीड लिफ्ट भी लगाया गया है, जिसके जरिए आप 400 फीट तक ऊंचाई तक पहुंचकर प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंच सकते हैं। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप टॉप रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।